आद्या ने बचाई जय की जान और बना लिया जय के दिल में अपनी एक खास पहचान। वेल, कलर्स टीवी के सीरियल इंटरनेट वाला लव में जय के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, वरना आज तो जय आग के हवाले हो ही जाते। दरअसल पूरी कहानी यह है कि लोहड़ी के मौके पर जय जमकर डांस कर रहे थे, जहाँ अचानक उनके दुपट्टे में आग लग जाती है। लेकिन जय डांस करने में इतने ज्यादा मशगूल होते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि उनके दुपट्टे में आग लग गई है, पर आद्या की नजर जय के दुपट्टे में पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि जय के दुपट्टे में तो आग लग गई है। और फिर आद्या अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर जय के पास जाती है और जय को आग से बचा लेती है। भाई गुड जॉब आद्या, हम तो यही कहेंगे कि जब तक आप जय के साथ है तब तक जय के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या इस हादसे के बाद जय के दिल में आद्या के लिए जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे, क्या ये दोनों फिर से एक बार पास आ जाएंगे। ये सारी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और पाइए अपने फेवरेट टीवी शो से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। वैसे ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के जरिए। आद्या ने बचाई जय की जान और बना लिया जय के दिल में अपनी एक खास पहचान। वेल, कलर्स टीवी के सीरियल इंटरनेट वाला लव में जय के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, वरना आज तो जय आग के हवाले हो ही जाते। दरअसल पूरी कहानी यह है कि लोहड़ी के मौके पर जय जमकर डांस कर रहे थे, जहाँ अचानक उनके दुपट्टे में आग लग जाती है। लेकिन जय डांस करने में इतने ज्यादा मशगूल होते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि उनके दुपट्टे में आग लग गई है, पर आद्या की नजर जय के दुपट्टे में पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि जय के दुपट्टे में तो आग लग गई है। और फिर आद्या अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर जय के पास जाती है और जय को आग से बचा लेती है। भाई गुड जॉब आद्या, हम तो यही कहेंगे कि जब तक आप जय के साथ है तब तक जय के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या इस हादसे के बाद जय के दिल में आद्या के लिए जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे, क्या ये दोनों फिर से एक बार पास आ जाएंगे। ये सारी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और पाइए अपने फेवरेट टीवी शो से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। वैसे ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के जरिए।